राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऑर्गेनिक गार्डन बाय सुनीता में। आज हम बात करते हैं कि हमारे पेड़ों पर गमलों में फल और फूल क्यों नहीं आते, या पौधों में फंगस कैसे लग जाती है, क्यों मर जाते हैं, क्या कारण है। तो इसके छोटे छोटे से दो तीन कारण हैं। जब हम नर्सरी से पौधा ला के लगाते हैं या ऑनलाइन लगाते हैं तो उसके मरने के ज़्यादा चांस होते हैं, तो उसकी केयर हमें थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात तो है, हम मिट्टी बनाते समय जिस रेशो में नीम खली और ये खाद वगैरह डालते हैं, उसके बाद जल्दी से ही दोबारा कोई फंगीसाइड या नीम खली वगैरह या कुछ ये नहीं लगाने चाहिए। कई लोगों को मैंने सुना कि हर 8 दिन में नया पौधा होता है छोटा सा, वो सर्वाइव करने के लायक नहीं होता है, और उस पर हम बहुत सारे केमिकल वाले खाद या जो है ऑर्गेनिक जो भी हैं डाल देते हैं। तो इतनी ये गलती नहीं करनी चाहिए। अब ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरा सेब का पौधा है और मैंने इसको बाज़ार से लेकर लेने के बाद इसमें ट्रांसफ़र किया है, और आपको मैं इसकी पूरी दिखाती हूँ फुटेज। ये देखिएगा कितने अच्छे से सर्वाइव कर रहा है, और अभी हम इसको कम से कम 6 महीने कुछ नहीं डालेंगे, बस ऐसी सिंपल वाटरिंग वगैरह और नलाई गुड़ाई का हल्का ध्यान। अगर हमने इसमें ज़्यादा कुछ करा तो ये जो आपको देख रहे हैं कि इतने अच्छे से जड़ से लेकर ऊपर तक फुटे रही हैं वो नहीं आएंगे। तो इस चक्कर में न लगें कि ज़्यादा खाद पानी डालने से या ज़्यादा हमने फंगीसाइड या केमिकल या फर्टिलाइजर डाला तो उससे ज़्यादा अच्छे से पौधा सर्वाइव करेगा, ऐसा नहीं है। जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा भी डाइट पौधे को नुकसान कर देती है। तो कम से कम नर्सरी से या ऑनलाइन जो पौधे मंगाते हैं उनमें हमको कम से कम 1-6 महीने तक तो कुछ डालना ही नहीं है। अगर ये सब गलतियां आप नहीं करोगे तो कोई कारण ही नहीं है कि आपका पौधा नहीं चलेगा। ये मेरा सेब का पौधा है, इसी के साथ मैंने देखिए ये बादाम का पौधा लगाया था, पर ये सूखा तो नहीं है क्योंकि इसकी ब्रांच अभी हरी हैं, पर ये देखिए अभी नहीं सर्वाइव करा, तो मैंने इसको बिल्कुल टच नहीं किया है, ऐसे ही छोड़ के रखा है क्योंकि अभी इसके पास टाइम है फुटेर का। तो बस मेन बात मेरा यही मकसद है कि हम बाज़ार से नर्सरी से पौधे तो बहुत सारे मंगा लेते हैं, पर थोड़ी सी गड़बड़ी के कारण ही हमारे पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो कृपया ध्यान रखें और ये सारे जो मैं बता रही हूँ गलतियाँ ना करें। इन छोटी छोटी गलतियों से ही हमारा मन बड़ा दुखी हो जाता है जब हमारा कोई बढ़िया पौधा ख़राब हो जाता है। तो ये पौधों पर छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, शेयर तो ज़रूर करें, और कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। कृपया जो वीडियो पर नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फिर किसी जानकारी के साथ मिलती हूँ।